नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो हम मल्टीमीटर के ऊपर बनाएंगे। मल्टीमीटर का कुछ फंक्शन के बारे में यूज बताएंगे जो कि हमारे मोबाइल फोन रिपेयर में यूज होता है। तो चलिए देखते हैं मल्टीमीटर का पहले कुछ फंक्शन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसे मल्टीमीटर से जो कंपोनेंट जो हम लोग एसएमडी कंपोनेंट चेक करते हैं मोबाइल फोन का, जो मदरबोर्ड में कंपोनेंट जांच करते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटर ट्रांजिस्टर डायोड, ये सारे चीजों के बारे में एक एक करके हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास करेंगे। इससे आपको कंपोनेंट टेस्टिंग भी जानकारी बहुत सारा मिल जाएगा और मल्टीमीटर का यूज भी पता चल जाएगा। नजदीक लाएंगे, ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर जब आप खरीदोगे आप तो मल्टीमीटर का जो प्रॉप है वो तो खुला हुआ रहेगा। ये आपको मल्टीमीटर दिख रहा है, मल्टीमीटर का जो ये है एलसीडी जहां पे आपको कुछ वैल्यू रीडिंग बताएगा तो यहाँ पे शो होगा। ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों ये सनसाइन का है, मॉडल नंबर है DT9205E और ये है इस मल्टीमीटर का डिस्प्ले जहां पे आपको जो भी रीडिंग शो होगा वो यहाँ पे दिखेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं जब आप मल्टीमीटर को चेक करोगे बीप मोड में तो यहां से आपको रेड लाइट चलेगा जो कि एलईडी यहां पे लगा हुआ है। ये हम यहां पे लगा देते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब ये केबल कनेक्ट कैसे करोगे तो केबल कनेक्ट करने का 1 2 3 4 प्रॉप दिया हुआ है। तो यहां पे भी और ओम, भी मतलब वोल्टेज और ओम, यहां पे आप लगाओगे हमेशा रेड वायर को लगाओगे तो रेड को कनेक्ट कर दिए। और जहां पे सी ओ एम कॉमन लिखा हुआ है ये हो गया सी ओ एम मतलब कॉमन और ये हो गया ग्राउंड, तो ब्लैक वायर को हम यहाँ पे टच करेंगे। ये हो गया हमारा मल्टीमीटर में दो तार लगा दिए। मोबाइल रिपेयर में हम लोग यही दोनों यूज करते हैं जो कि वोल्टेज और ओम का रेंज पे रेड को लगाते हैं और कॉमन पे ब्लैक को लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मल्टीमीटर में ये जो एक ऑप्शन दिया है PNP NPN, यहाँ से जो 3 लैग का ट्रांजिस्टर होता है मॉस्फेट होता है वो सबको जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगा के भी जांच कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेट करके भी जांच कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारा मल्टीमीटर जो है वो ऑफ है। मल्टीमीटर का सबसे पहला फंक्शन जो है वो है NCV मोड से हम ये चेक कर सकते हैं कि यदि कोई सर्किट में कोई वायर पास हो रहा है या कोई वायरिंग किया हुआ है और उसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका जांच हम कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। अभी हम सेट किए हैं NCV मोड में और यहाँ पे देख रहे हैं एक वायर है, इस वायर में अभी करंट पास हो रहा है। तो हम चेक करते हैं बिना इसमें मल्टीमीटर को कुछ लगाए NCV मोड में सेट किए और यहाँ पे जब हम लेकर के जाते हैं तो ये देखो मल्टीमीटर में बीप साउंड करता है। यदि ये वायर में करंट जा रहा है तो ये करेगा। इससे क्या हमको पता चलता है कि मल्टीमीटर को या वायर को बिना टच किए हम इस मल्टीमीटर से NCV मोड से पता कर सकते हैं कि इसमें करंट है या नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन के बाद आगे वोल्टेज और यहाँ DC का सिंबल है, मतलब ये हो गया DC वोल्टेज मेजर करने का जगह। यहां से हम DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। ये 200 mA है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल वोल्टेज, उसके बाद 2 वोल्टेज है, उसके बाद 20 वोल्टेज है, उसके बाद 200 वोल्टेज है और इसके बाद 1000 वोल्टेज है। तो अगर आप 2 से लेकर के अधिक वोल्टेज जैसे 3 4 5 6 ऐसा वोल्टेज चेक करना हो तो आप सेट करोगे मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में, क्योंकि हम हमारे मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड है इसमें जो सप्लाई होता है वो 5 वोल्टेज 4.2 वोल्टेज 3 वोल्टेज ऐसे। तो ये 2 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम 20 वोल्टेज में सेट करते हैं। ये है मोबाइल रिपेयरिंग में 20 वोल्टेज का इस्तेमाल होता है। 200 वोल्टेज वो चेक करेंगे जो 20 वोल्टेज से अधिक मेजर करेंगे वो यहाँ पे चेक करेंगे, 200 से अधिक वोल्टेज को जो मेजर करेंगे वो 1000 पे ला करके सेट करेंगे। आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है AC वोल्टेज, ये था DC वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो कि बैटरी से सप्लाई होता है और है AC वोल्टेज जो कि हम लोग का घरों में सप्लाई आता है। AC वोल्टेज का मेजर जो AC हाउस वायरिंग वगैरह का काम करते हैं उन लोगों को AC वोल्टेज का मेजर किया जाता है
उसी प्रकार से एसी एम्पियर हो गया, ये हो गया एसी वोल्टेज और ये हो गया एसी एम्पियर। उसी प्रकार से डीसी एम्पियर जब यूज करना मापना हो तो आप यहाँ से डीसी एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे एफ लगाओ लिखा हुआ मतलब पिको फराड, यहाँ से हम लोग कैपेसिटर वगैरह का क्या कितने वैल्यू का है नहीं है वो सारे चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ज़्यादातर मेजर जो किया जाता है वो बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं, टीवी का मदरबोर्ड में, एसी का मदरबोर्ड में, स्टेबलाइजर का मदरबोर्ड में, वो सारे मेजर आप कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर अलग अलग पावर का होता है, इसलिए अलग अलग पावर में सेट करके हम लोग मेजर करते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं बीप मोड, या फिर यहाँ पे डायोड छपा हुआ है तो इसको बोलते हैं डायोड मोड, या फिर बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बजर मोड भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग बीप मोड इसको बोलते हैं और यहाँ से भी हम लोग सारे एसएमडी कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर वगैरह वगैरह का जांच कर सकते हैं। तो हम लोग जो ये बीप मोड है ये एसएमडी कंपोनेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर ये सब है, एसएमडी कैपेसिटर है, ये सब को जांच करेंगे। इधर क्वाइल लगा हुआ है, क्वाइल लगा हुआ है, आप डायोड देख रहे हैं, चिप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये सारे चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग बीप मोड का इस्तेमाल करते हैं। जब बीप मोड का इस्तेमाल करेंगे तो बीप मोड में जब सेट करेंगे तो ऐसे टच करने पर बीप का साउंड हमारा मल्टीमीटर में करता है। ये हो गया बीप मोड। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 20, 200 ये ओम का सिंबल है, मतलब यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस चिप रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं किलो ओम में। तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का भी अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग पावर का होता है, इसलिए अलग अलग वैल्यू अलग अलग पावर वाले को अलग अलग जगहों पर सेट करके मेजर करते हैं। ये मल्टीमीटर का हम कुछ इंट्रोडक्शन क्लास दिए, मल्टीमीटर का पार्ट टू वीडियो रहेगा, उसमें हम मल्टीमीटर का से पूरे चीज़ें जो कंपोनेंट हम लोग मेजर करते हैं वो सारे चीज जांच करके दिखाएंगे। उसके बाद उसका अगला वीडियो रहेगा सीरीज और पैरेलल का। अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए सीरीज वीडियो तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे जिससे आप एक मल्टीमीटर को चलाना बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय दे करके देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।